Are you crazy? तो फाइनली दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 27 दिन हो चुके हैं। तो वहीं साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म ईगल भी आज बॉक्स ऑफिस पर अपने 12 दिन पूरे कर चुकी है। इसी के साथ साथ बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को भी आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीनों ही फिल्मों के अब तक के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि इन तीनों ही फिल्मों में से बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म ने बाजी मारी है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रवि तेजा की फिल्म ईगल के बारे में। तो साउथ के मास महाराजा रवि तेजा की एक्शन पैक्ड फिल्म ईगल, जिसे हिंदी और तमिल दो भाषाओं में रिलीज किया गया था। हिंदी में तो ये फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर रही, लेकिन इस फिल्म ने तेलुगु वर्जन में एक तरह से डिसेंट कमाई की है। हालांकि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड में तो ताबड़तोड़ कलेक्शन मिला था और इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के अंदर ही 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड मार्केट में कमाई कर ली थी। लेकिन वीकेंड के बाद इस फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से धड़ाम से नीचे गिर गए और इस फिल्म ने आने वाले एक हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किए वो उतने ज्यादा खास नहीं रहे। मतलब कि इस फिल्म के 3 दिनों की कमाई को देखकर लग रहा था कि ये फिल्म रवि तेजा के करियर की एक सुपरहिट फिल्म बनने वाली है, लेकिन इस फिल्म ने अपने 12 दिनों में जो कमाई की है वो फिल्म के बजट के हिसाब से काफी कम है। हालांकि बात की जाए इस फिल्म के 12 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो ईगल फिल्म ने अपने शुरुआती 10 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 51.40 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया था। तो वहीं अपने 11वें दिन भी इस फिल्म ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1.34 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। और वहीं आज यानी कि अपने 12वें दिन भी ये फिल्म लगभग 1.20 करोड़ रुपए के आसपास कमाई कर रही है। यानी कि इस फिल्म का 12 दिनों के अंदर जो टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 53.94 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये फिल्म 5-6 करोड़ की कमाई और कर जाएगी और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। यानी कि ईगल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रवि तेजा के करियर की फ्लॉप फिल्म साबित हो चुकी है। वैसे अगर इस फिल्म को आपने देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के 12 दिनों के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो शाहिद कपूर और कृति सेनन की इस फिल्म ने सबको चौंका दिया है और इस फिल्म के अपने पहले हफ्ते के जो कलेक्शन निकल कर सामने आए वो काफी ज्यादा लाजवाब है। साथ ही साथ ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में भी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। जी हाँ, इस वक्त इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अपना दूसरा हफ्ता चल रहा है और अपने दूसरे हफ्ते के वीक डेज में भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो एक तरह से डिसेंट है। और ऐसा लग रहा है कि इस शुक्रवार जब विद्युत जामवाल की क्रैक फिल्म रिलीज होगी तब तक ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। अगर क्रैक फिल्म लोगों को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते में भी अच्छी खासी कमाई करने वाली है। हालांकि बात की जाए इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो लगभग 75 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अपने शुरुआती 10 दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 62.5 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया था। तो वहीं अपने 11वें दिन भी इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.56 करोड़ रुपए का शानदार बिजनेस किया। हालांकि फिल्म को आज जो ऑक्युपेंसी मिली है वो अपने 11वें दिन के मुकाबले थोड़ी डाउन है और ये मूवी आज यानी कि अपने 12वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.40 करोड़ रुपए के कलेक्शन कर रही है। और इसी के साथ इस फिल्म ने अपने 12 दिनों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 67.1 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। तो वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म अब तक लगभग 79.60 करोड़ रुपए की शानदार कमाई कर चुकी है। तो वहीं अब तक ये फिल्म ओवरसीज से भी लगभग 36.50 करोड़ रुपए कमा चुकी है। यानी कि इस फिल्म का जो टोटल 12 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 116.10 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ, ये फिल्म अपने 12 दिनों के अंदर लगभग 116 करोड़ रुपए की शानदार कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो लगभग 150 करोड़ रुपए तक जाने वाला है। हालांकि 75 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनने वाली इस फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली है और इसी के साथ ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। वैसे अगर इस फिल्म को आपने देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के 27 दिनों के टोटल इंडियन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म फाइटर, जिसका बजट लगभग 250
करोड़ रुपए था और इस वक्त सिनेमाघरों में इस फिल्म का चौथा हफ्ता चल रहा है और इस फिल्म के अपने चौथे हफ्ते में जो कमाई है वो पर डे 1 करोड़ रुपए से कम हो चुकी है और इस फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो भी लगभग पूरा होने को आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आने वाले 4-5 दिनों तक ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर पाएगी। हालांकि फिल्म का बजट लगभग 250 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने दुनिया भर से लगभग 300 करोड़ और ये फिल्म दुनिया भर से लगभग 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। जी हां, अगर बात की जाए इस फिल्म के डिटेल कलेक्शन के बारे में तो ऋतिक रोशन की फाइटर फिल्म ने अपने शुरुआती 3 हफ्तों के अंदर इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 208.40 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था। तो भाई अपने चौथे हफ्ते के वीकेंड यानी कि चौथे शुक्रवार तक ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5.86 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी और जैसे ही मंडे आया तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से दम तोड़ दिया और इस फिल्म ने अपने 26वें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 71 लाख रुपए की कमाई की। तो भाई अपने 27वें दिन यानी कि आज भी इस फिल्म का जो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन है वो लगभग 55 लाख रुपए के आसपास है और इसी के साथ फाइटर फिल्म अपने शुरुआती 27 दिनों के अंदर टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर लगभग 215.52 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। तो वहीं इंडियन ग्रॉस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म लगभग 256.90 करोड़ के आंकड़े को भी पार करने में कामयाब हो चुकी है। बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो ये फिल्म दुनिया भर से अब तक लगभग 358 करोड़ रुपए कमा चुकी है। जी हां, फाइटर फिल्म दुनिया भर से लगभग 360 करोड़ रुपए की टोटल कमाई कर चुकी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि इस फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो कितना होने वाला है। वैसे अगर आपने फाइटर फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए क्रेजी सिनेमा।